हम हमारे फार्म पर है और रात के 3:30 बजे है और हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तो जाहिद भाई, कितने सारे मेहमान आए हैं, सभी को आपको दिखाऊंगा, पर पहले जाहिद भाई। तो जाहिद भाई, कितने दिनों से यहाँ पर आने का प्लान बना रहे थे पर कुछ एविडेंस नहीं मिल रहे थे, तो और आज सब कुछ हो गया, अमरेली गए और वहाँ से उनका पूरा फ्रेंड सर्कल आया, यहाँ पर आया है। तो रात को 3-4 बजे आए हैं और बहुत यहाँ पर हमने एंजॉय किया। अभी 1 घंटे से हम बातें कर रहे थे तो ऐसा लगा कि सभी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं। तो जाहिद भाई, हमारे फार्म का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। साजिद भाई से पूछते हैं। साजिद भाई, फार्म का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है, तो और यहाँ के मतलब वातावरण कैसा लगा आपको? सबसे अच्छा है। और रमेश भाई को सपोर्ट करना पूरा, उसकी चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी कर देना। और भाई, आपका नाम? साहिल। कैसा लगा हमारा फार्म? बहुत बढ़िया। और अभी दूसरे 3 लोग भी हैं पर वो बाहर गए हैं फ्रेश होने के लिए, तो उनका भी हम लेंगे। अभी हमने यहाँ पर नाश्ता भी बनाया है, तो भजे और चटनी बनाई है, तो वो भी थोड़ा आपको दिखाएंगे। भाई, आपका नाम? हनीफ। तो हनीफ भाई, हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। गिर का एक्सपीरियंस और हमारे फार्म का एक्सपीरियंस, मैं तो बोल रहा हूँ आइए सब लोग यहाँ पे। भाई, आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी आपके सब्सक्राइबर है उससे सभी को कहना चाहते हैं कि यहाँ आओ, देखो, गिर देखो। और यहाँ का मतलब हमारे फार्म का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया, बेस्ट। दोस्तों, अभी रात के 4 बजे है और हमारा भजिया खाने का आप देखिए, रात को 4 बजे हम सभी भजिया खा रहे हैं। तो ये रही हमारी भजिया की प्लेट, ये रही चटनी आमली की, और ये रहे भजिए, ये बटेटे वाले हैं, और ये नॉर्मल भजिए है, और यहाँ पर मिर्च रही, और यहाँ पर रहे हमारे सभी दोस्त। पर ये सभी एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर साजिद भाई की गाड़ी पड़ी है, हमारा पूरा यहाँ पर जंगल है, तो यहाँ पर हमारा पार्किंग है। तो पार्किंग तो हमारा बहुत बड़ा है, शायद 15-20 गाड़ियाँ हो तो भी चलता है। तो यहाँ से हमारा पार्किंग है और यहाँ से हमारा फार्म का गेट है। रात के 4:20 हुई है और हमें यहाँ जामफर का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और साजिद भाई को देखिए, वो जामफर का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कैसे लगे हमारे जामफर? बहुत 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 अच्छा है, और वो भी रात को 4 बजे। रात को 4 बजे अभी यहाँ पर जामफर का एक्सपीरियंस ले रहे हैं दोस्तों। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और साजिद भाई सकड़ों का सब टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कैसा लगा साजिद भाई छकड़ो? बस ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा चलता है। और छकड़ो के गियर ऐसे होते हैं ना, तो मुझे तो अभी तक माइंड में नहीं बैठे कि इसके गियर कैसे होते होंगे, वो कुछ करते हैं कैसे इसके गियर होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे मुझे तो इसके गियर। और सभी पैसेंजर बैठ गए हैं और जाहिद भाई फ्रेश होकर तैयार हो गए हैं। दोस्तों, हमारे सभी लोग छकड़ों की ट्रायल ले रहे हैं, तो सभी लोग छकड़ों में बैठ गए हैं और राम भाई छकड़ों चलाने वाले हैं। अभी दिन के 10:30 बजे है और हमें अभी हमारे खेत में घूमने के लिए निकले हैं, और हमारे खेत का जो दूसरा एंड है वहां तक जाने वाले हैं जाहिद भाई। भाई, आपका नाम क्या? इमरान। इमरान भाई, तो 5-6 जने हैं सभी यहां पर लाइन में दूसरे शेड तक जाने वाले हैं और पूरा खेत देखने वाले हैं। रात को भी खेत देखा था पर अभी दिन में देखने वाले है। और अभी एक छकड़ों में भी हमने ट्रायल किया, तो वो वीडियो तो आपने आगे देखा होगा। और छकड़ों का एक्सपीरियंस, अरे बहुत मजा आया उसमें तो। तो छकड़ों में बहुत मजा। और अभी हमारे खेत के दूसरे छेड़ तक जाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो अभी चलते चलते और यहाँ से क्या प्लान बनता है वो तो फिर से वापस खेत में आकर पता चलेगा, पर अभी तो हमारे खेत के दूसरे एंड तक जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम देवड़िया सफारी पार्क जा रहे हैं और अभी तो भीड़ बहुत है और वेटिंग भी बहुत है, हमने ऑनलाइन देखा, पर अभी वहां पर जाकर देखते हैं टिकट मिलती है या नहीं मिलती, क्या होता है क्या नहीं, वो वहां पर जाकर देखते हैं। तो साजिद भाई ड्राइव कर रहे हैं और सभी पीछे बैठे हैं, और एक भाई और काका वो 2-व्हीलर में आगे आगे चले गए हैं कि टिकट का क्या है क्या नहीं वो देखने के लिए।
मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो कुछ पता नहीं रहता है, पर बहुत भीड़ है। तो अभी कैसा होता है कैसा नहीं, वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि हमें टिकट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हमें सफारी के लिए जाना है। तो देखते हैं, भीड़ बहुत है यहाँ पर। ये रहा मेन गेट। तो दोस्तों फाइनली हमें टिकट मिल गई है, और थोड़ी भीड़ भी थी और लाइन में भी खड़ा रहना पड़ा, और बाद में टिकट मिली है। तो हमारी 111 नंबर की बस। तो जंगल सफारी के लिए हमारी पूरी टीम बैठ गई है। यहाँ पर काका बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वहाँ तक हमारी टीम है, और साजिद भाई और जाहिद भाई भाई यहाँ पर बैठे हैं हमारे। तो अभी हमारी जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है। हमारी जंगल सफारी पूरी हो गई है, और जीप में जाना था पर जीप में जगह ही नहीं थी, और ट्रैफिक देखिए दोस्तों, त्योहार की वजह से ट्रैफिक बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जंगल सफारी कर ली है, और ये पीछे रहा वो गेट है। तो अभी तो भीड़ बहुत थी, तो भीड़ में जितना मज़ा, मतलब नॉर्मल दिन होते हैं उसमें जो मज़ा आता है, वो भीड़ में मज़ा नहीं आया। तो मेरा कहना यही है कि आपको अगर जंगल सफारी का सही एक्सपीरियंस लेना हो तो त्योहार के दिन हो उसमें आप मत आइए, जो नॉर्मल दिन होते हैं उसमें आइए तो बहुत मजा आएगा आपको। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, रमेश बकोत्रा व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे मेन चैनल रमेश बकोत्रा को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।